आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद सियालकोट की सीट भी नून लीग के हाथ से निकलते ही अब नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। काफी अरसे से नून लीग में गैर मुतरिक शहबाज शरीफ खुलकर मरियम नवाज के सामने आए हैं। मरियम नवाज के पाक फौज के खिलाफ बयाने के बाद जैसे नून लीग का पूरे मुल्क से सफाया हुआ है। इसको देखते हुए शहबाज शरीफ ने पार्टी की क्यादत संभालने का ऐलान करते हुए मरियम नवाज को क्या पैगाम पहुँचाया है, इस हवाले से मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने टीवी पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज के बयाने के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो चुकी है। सियालकोट जो कि मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, वहां से मुस्लिम लीग नून का शिकस्त खाना इस बात की अकासी करता है कि लोग मरियम नवाज के बयान को मुस्तरद कर चुके हैं। लिहाजा पार्टी को मजीद मुश्किलात से बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के तमाम MNA और MPA की बड़ी बैठक बुला ली है।